कि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी आए हुए थे। और यहाँ पर ये खास तौर पर उन लोगों के लिए इसलिए है कि अगर आप लोग छुट्टी आए हुए थे तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, बीच में आपको पता होगा कि दो बार वहाँ की गवर्नमेंट ने इकामा की डेट को बढ़ाया हुआ था। एक बार तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इकामा की डेट को बढ़ाया था, दोबारा वहाँ की गवर्नमेंट ने इकामा एंड जो छुट्टी के पेपर थे उनकी डेट को बढ़ाया था। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपकी छुट्टी बढ़ गई है तब तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ी है तो क्या आप उस वीजे पे वापस जा पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि कौन से किस तरीके से वहां की छुट्टी बढ़ाई गई थी, किस तरीके से इकामा की डेट बढ़ाई गई थी, किन किन लोगों के ऊपर अप्लाई हुआ था और जिन लोगों के ऊपर ये डेट अप्लाई नहीं हुई यानी कि डेट बढ़ी नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप सभी के जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं अमांटे कोर्ट, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले जब यहाँ पर ये इकामा 3 महीने का एक्सटेंड किया था सऊदी गवर्नमेंट ने, यानी कि आपके इकामा की डेट बढ़ाई थी, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए था जो लोग वहां पे थे या फिर वहां से बाहर, यानी जो लोग सऊदी अरब में थे या फिर सऊदी अरब के बाहर थे, उनमें से काफी सारे लोगों के इकामा की डेट बढ़ गई थी उसी टाइम पे। लेकिन वहां पर जो वीजा था, एग्जिट वीजा खुरुज उदय का या फिर एग्जिट वीजा, उसकी डेट नहीं बढ़ी हुई थी। तो जो लोग वहां पे थे, जो लोग बाहर थे, जिनकी डेट बढ़ चुकी है, तब तो उनका काम हो चुका, यानी कि अब आपकी दोबारा डेट नहीं बढ़ने वाली है। सिर्फ और सिर्फ ये आपका एक ही बार का चांस था। अब यहाँ पर बात आती है उन लोगों की कि जो लोग वहां से सऊदी अरब से छुट्टी आए हुए थे, दोबारा आपकी डेट बढ़ाई गई थी, तो यहाँ पर ये डेट जो बढ़ाई गई थी ये जिन लोगों के खुरुज उदय यानी कि छुट्टी लगी हुई थी या फिर खुरुज लगा हुआ था, जो लोग सऊदी अरब में थे या फिर सऊदी अरब से अपने अपने देश आए हुए थे, उन सभी लोगों के लिए ये एक्सटेंड किया गया था इकामा एंड खुरुज उदय को लेकर। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनकी पहली बार एक्सटेंड हो चुकी थी उन लोगों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, उन लोगों के इकामा पे इस डेट में कोई भी तरीके की अप्लाई नहीं होगी, यानी कि उनकी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। लागू करना है वो डेट है मार्च 2020 से, यानी अगर आपकी डेट बढ़ भी जा रही है तब भी आपका कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्च से अगर आप काउंट करते हैं तब यहाँ पर 3 महीने ऐसे ही हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कत आ चुकी है। तो यहाँ पर आपके पास में बस एक ही ऑप्शन बचता है, अगर आप सभी को वापस जाना है तो आप लोग अपने अपने सऊदी से कॉल करिए, कॉन्टेक्ट करिए और उनसे बात करिए कि क्या हमें दोबारा से वीजा मिल सकता है। इससे पहले भी हमने आप सभी को बताया था कि जो लोग भी वापस आ चुके हैं, जिनका भी टाइम एग्जिट हो चुका है, वो लोग वापस नहीं जा पाएंगे। अगर वो सऊदी चाहता है तो उसी सऊदी के पास में आप तुरंत जा पाएंगे उसी वीजे पे, अगर वो वहाँ पर एग्जिट लगा के दोबारा से वीजा नया री इशू करता है और आपको बुलाता है तब आप उसी के पास जा पाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आपकी डेट बढ़ी है तब तो ठीक है, अगर आपकी डेट नहीं बढ़ी है तब आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्च से अगर आप 3 महीने काउंट करते हैं तब आप देख लीजिए, अगर जुलाई भी काउंट करेंगे, मार्च से काउंट करते हैं मार्च हो गई, अप्रैल हो गई, मई हो गई, अगर आप अप्रैल से करते हैं तो अप्रैल हो गई, मई हो गई, जून हो गई, यहाँ पर चल रहा है अगस्त, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का आप सभी को बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट रिज्यूम नहीं हुई है। एयरलाइंस रिज्यूम हो जाती है तो समझ लीजिए कि हर जगह की फ्लाइटें रिज्यूम हो गई हैं, इसकी ओर से किसी भी तरीके की अपडेट नहीं आई है। अगर वहां पर आप कॉन्टेक्ट भी करते हैं तब वहां पर सीधे सीधे यही बताया जा रहा है कि जब भी रिज्यूम होगी तब हम आपको अपडेट सोशल मीडिया के थ्रू दे देंगे, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की नई अपडेट वहां से निकल के नहीं आई है। आप लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं तब आप अपने अपने इकामे और वीजा को रीइशू करवा लीजिए और अपने इकामे को रिन्यूअल करवा लीजिए, वरना फाइन लगना शुरू हो जाएगा। जो लोग सऊदी अरब के बाहर हैं तो वैसे भी वो रिन्यू नहीं करवा सकते और वापस जा भी नहीं सकते हैं, अगर उनका सऊदी चाहेगा, अगर आपके इकामे पे टाइम है तभी आप जा पाएंगे, अन्यथा नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर ये एक बड़ी न्यूज थी, काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल थे
कि क्या हम वापस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। जब डेट बढ़ाई गई थी तब बढ़ गए थे, जब दोबारा डेट बढ़ाई गई तब नहीं बढ़ी। तो ये सारी की सारी कन्फ्यूजन जो थी वो मैंने आप सभी को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तब आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जवाब जरूर देंगे और आपकी मुश्किल को हल करने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि मैं जब भी आऊँ लाइव या फिर अपलोड करूँ कोई नई वीडियो तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अमन टेक।